नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल आप सभी प्लम्बर के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको पीवीसी पाइप के जरिए सिस्टर्न बनाना सिखाऊंगा। यानी कि दोस्तों टॉयलेट सीट के पीछे जो सिस्टर्न लगा होता है, कई लोग उसको फ्लस भी बोलते हैं, फ्लस करने के बाद उस सिस्टर्न से पानी गिरता है सीट में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में पीवीसी पाइप के जरिए सिस्टर्न बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, किस तरह से बनेगा, बनेगा या फिर नहीं बनेगा, सब कुछ पूरी कंप्लीट जानकारी डिटेल में दूंगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। तो अभी दोस्तों यहाँ पर कुछ पाइप है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे पाइप का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे दो टी दिखाई दे रहा है, 4 इंच का है, पीवीसी टी है, सॉल्वेंट फिट वाला है। देखिए यहाँ पे पीवीसी सॉल्वेंट है, और कुछ यहाँ पे देखिए एंड कैप रखा हुआ है। बस यहाँ पे टी है, एंड कैप है, और ये पाइप का टुकड़ा है। और अभी सिस्टर्न का जो पुराना वाला पार्ट है वो भी आपको वीडियो में दिखेगा, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पीवीसी पाइप से दोस्तों सिस्टर्न को किस प्रकार बनाएंगे।
तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे पीवीसी पाइप से देखिए फ्लैश टैंक बन के रेडी हो गया है। देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पे बना हुआ है। ये वाला जो सिरा आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये वाला ये अपना आउटलेट है और ये जो है ये इनलेट है, यानी कि इस फ्लैश टैंक में जो पानी भरेगा ना वो यहाँ से भरेगा और जो आउटपुट होगा पानी का वो यहाँ से होगा। जब कोई यहाँ से फ्लश करेगा तो यहाँ से पानी गिरेगा और यहाँ से भरेगा। और लेबल कैसे सेट करना है, सेम सिस्टम की तरह लेबल सेट करने के लिए यहाँ पे हम कवर लगाएंगे और इस कवर में दोस्तों सॉल्वेंट नहीं लगेगा, ठीक है। कवर ऐसे ही लगा होगा, लेबल सेट करना होगा तो कवर को उठा के उसके बाद अंदर इसका जो है लेबल सेट कर सकते हैं आप। ऊपर से ही दिया हुआ है, इसको डाइवर से घुमाएंगे, टाइट करेंगे, लेबल इसका सेट हो जाएगा। और अगर कभी ये खराब होता है तो यहां से खोल के इजीली इसको निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। और ये भी सेम उसी तरह है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आता है, हमें साफ सफाई करना है तो इसको खोलेंगे, ये पूरा अलग हो जाएगा रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे दो टी की मदद से इसको मैं बनाया हूं और अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे कि इसका फ्लशिंग कैसा है, इसमें कितना लीटर पानी जो है वो स्टोर होगा। पाइप है, पाइप आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा पानी तो नहीं स्टोर होगा लेकिन फिर भी हम लोग चेक करेंगे, फ्लश करके देखेंगे कि इसमें कितना पानी स्टोर हो रहा है और किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। पूरी कंप्लीट जानकारी अब आपको मिलेगी क्योंकि अब इसको मैं इंस्टॉल करके आपको प्रेशर इसका दिखाऊंगा। अभी भी दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अभी तक लाइक नहीं किए अगर तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। और ये देखिए ये इसका कवर है फ्लश करने वाला, फ्लश करने वाला ये जो कवर है ये अपना यहाँ पे आएगा, किसी भी एंगल में इसको घुमा के आप यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। देखिए इसको मैं यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और ये देखिए अब ये फ्लश होने लगा यहाँ पे, और अभी भी यहाँ पे एंड कैप लगाना बाकी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से एंड कैप लगा दिया, तो अभी ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको कट करेंगे ये वाला जो है ताकि इसके लेवल में आ जाए, अच्छा दिखे। और ये वाला जो है ये अपना फ्लश हो गया, ठीक है। देखिए इस तरह से फ्लश पूरी तरह से प्रॉपर काम कर रहा है। अब चलिए इसको इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रेशर कैसा है।